हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास टेंथ की ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन देखें, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी शो दैट, यानी सी डी और जी एच जो हैं वो ट्राइंगल जो हमारा एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ है उसके समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के तो दर्शाइए। तो पहले तो हमें यहाँ फिगर नहीं दी हुई, तो बेटा जी हमें सबसे पहले जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके स्टेटमेंट्स को पढ़कर केयरफुली फिगर ड्रॉ करनी है। तो हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। तो सबसे पहले तो हम ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसे नेम कर देते हैं ये ए, ये बी और ये हो गया सी। दूसरा ट्राइंगल है ई एफ जी, तो अब हम ई एफ जी भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल हो गया हमारा ई एफ जी, तो ये ई, ये एफ और ये हो गया जी। क्लियर? उसके बाद हमें कहा गया है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ, यानी कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक। ए सी बी यानी ये वाला एंगल और ई जी एफ यानी ये वाला एंगल, इन दोनों के बाइसेक्टर। बाइसेक्टर हमें पता है एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सी वाला जो बाइसेक्टर है वो तो जाके टच कर रहा है डी पे, ए बी को, और जो जी का बाइसेक्टर है यानी इसका जो बाइसेक्टर है वो टच कर रहा है ई एफ को, किस पॉइंट पे, एच पे। तो ये तो हमने बना ली फिगर। अब इस दोनों फिगर्स के यानी ये जो हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, दोनों ट्राइंगल्स के बेस पे हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं ये प्रूव करने हैं। तो अब हम ले लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पर गिवन यानी जो दिया है वो क्या क्या दिया हुआ है हमें, कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ये हमें दिया हुआ है। और ये भी बताया है कि ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स है। तो अगर ये एंगल वन है और ये एंगल टू है तो इट मींस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू होगा। और उसी तरह इफ़ इट इज़ एंगल थ्री एंड दिस वन इज़ एंगल फोर देन एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। तो ये तो हमारा गिवन हो गया। और फिर जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं जहां हमें सी डी अपॉन जी एच को ए सी अपॉन एफ जी के इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम यहां देखें सी डी, सी डी यानी ये वाला पार्ट, जी एच यानी इस ट्राइंगल का ये पार्ट, ए सी, ए सी कहाँ है हमारे पास, ये रहा ए सी ये वाला पार्ट, और एफ जी, एफ जी यानी ये वाला पार्ट। तो अब हम देखें कि ये जो पार्ट्स हैं किस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। यहाँ पर तो हो गया हमारा ट्राइंगल ए सी डी, और यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल जो है वो एफ जी एच या एच जी एफ हम जिसे कह सकते हैं। तो इट मीन्स अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें तो ऑब्वियसली जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो सेम हो जाएगा। तो बस आप इसी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे और फिर हमारी साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल एफ जी एच एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब एफ जी एच में यानी इस ट्राइंगल में हम देखें तो यहाँ हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल एफ ई जी के, तो ए यानी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग इसका कौन सा होगा एंगल, एफ। तो इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना। तो पहला तो हमारे पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। रीज़न क्या है कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी ऑलरेडी दिया हुआ है, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज़,
सेम वे में हम देखें तो हमारे पास यहाँ है C और यहाँ पर है G। तो एंगल C ये भी एंगल G के इक्वल होना चाहिए। अब अगर एंगल C और एंगल G इक्वल हैं तो इनके हाफ़ भी इक्वल होने चाहिए। हाफ़ क्या है, यहाँ पर है एंगल 2 और यहाँ पर है हमारे पास एंगल 3। तो इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंगल C और एंगल G है ये आपस में इक्वल है, इसलिए एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हो गए। अब ये भी एंगल इक्वल हो गया और ये भी एंगल इक्वल हो गया, हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए। और दो एंगल इक्वल होते ही हम क्या करते हैं, यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी। यहाँ पर हम वो रूल यूज़ कर लेंगे। तो सिमिलरिटी रूल हमने यूज़ किया, उससे क्या हुआ, हमारा ट्राइंगल एफ जी एच हो गया सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी के। और जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो क्या होगा, इससे हमें क्या मिल गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा, यानी सी डी जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। और यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ट्राइंगल डी सी बी को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल एच जी ई के। अब हम देखें हमारा ट्राइंगल डी सी बी है कौन सा। तो डी सी बी यानी ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारे पास, और एच जी ई यानी ये वाला ट्राइंगल, ये हो गया एच जी ई। अब इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ भी हम ध्यान से देखें कि हमें ए बी सी और एफ ई जी दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, तो वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। आप वही प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये हमें गिवन है। तो यहाँ बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ई। इट मीन्स एंगल बी और जो हमारा एंगल ई है यानी ये वाला एंगल जो है, ये तो दोनों इक्वल हो गए। और सेम सी जो है यानी ये पूरा का पूरा एंगल जो है, इट इज़ इक्वल टू एंगल जी। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। इट मीन्स ये हाफ यानी एंगल वन जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। फिर हम एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल यूज़ कर लेंगे, क्लियर। अब इसे लिखना कैसे है वो देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम अपने ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल हमारे कौन कौन से ट्राइंगल है, डी सी बी और ट्राइंगल एच जी ई। पहली चीज़ तो हमने देखी कि सीधे सीधे हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारा एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी हमें सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल एफ ई जी के। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो बी इस ट्राइंगल में और ई उस ट्राइंगल में। और साथ ही साथ अब वही हमारा एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल है, तो हाफ ऑफ सी यानी एंगल 1 और हाफ ऑफ जी यानी एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। अब ये दो एंगल हमारे पास, एक तो ये वाला और ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हो गए। तो हम फिर क्या लिखेंगे, यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या होगा हमारे पास, कि जो हमारा ट्राइंगल डी सी बी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी ई के, क्लियर। हो गया सेकंड पार्ट भी प्रूफ। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड है ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, ये हमें प्रूफ करना है। तो डी सी ए, डी सी ए यानी ये ट्राइंगल हो गया, और एच जी एफ, एच जी एफ यानी ये ट्राइंगल। अब इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, सेम वही जैसे अभी तक हम स्टेप वाइज प्रूफ करते आए हैं, वही काम हमें यहाँ करना है। ए बी सी और एफ ई जी हमें सिमिलर दिए हुए हैं। इट मीन्स जो हमारा ए है यानी इस ट्राइंगल का ए एंगल, इस ट्राइंगल के एफ के इक्वल हो गया, यानी ये ए और ये एफ, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। फिर सी और जी फिर से इक्वल हैं, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एंगल 2 और यहाँ हमें मिल जाएगा एंगल 3, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे। अब इसे कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं इन ट्राइंगल, हमें कौन कौन से लेना है, डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ।
क्या करना है यहाँ पर, एंगल ए जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल एफ. रीज़न क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ये हमें दिया हुआ है. फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये हमें क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. देयर फोर हाफ ऑफ सी, हाफ ऑफ सी हमने देखा यहाँ पर है हमारा एंगल टू, तो एंगल टू इज इक्वल टू यहाँ हाफ ऑफ जी जो है वो है हमारा कौन सा, एंगल थ्री यानी ये वाला. तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. फिर से दो एंगल हो गए हमारे इक्वल. देन यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल डी सी ए और ट्राइंगल एच जी एफ को सिमिलर प्रूव करना था, तो ये सिमिलर प्रूफ हो गए. क्लियर? तो देखा तीनों बार तीनों स्टेप्स में हमने क्या किया है, हमने ट्राइंगल्स को ही सिमिलर प्रूफ किया है, और जहाँ ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो गया. और दूसरी जगह हमें क्योंकि पहले से ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ करके बाकी जो ट्राइंगल्स थे इसके उन्हें सिमिलर प्रूफ किया. तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ.